आपका गणपति का सीजन में आपका माय हिंदी इज सो बैड दैट्स ओके यू आर नॉट गोइंग टू रोलिंग दैट डोंट कट दिस एंड कट थैंक यू आता तुम्ही सगळे गिम होतो की महाराष्ट्र का सबसे फेवरेट फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी. हर जगह महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का माहौल है और इस समय स्पेशल फेस्टिवल के लिए स्पेशल फूड भी बनता है और ये स्पेशल फूड खाने के लिए हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह. ये जो जगह है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है और हम यहाँ आए हैं एक स्पेशल फ्रेंड से, एक स्पेशल मित्र से, एक स्पेशल आदमी से मिलने. ये महाराष्ट्र के सबसे जवान कैबिनेट मिनिस्टर है, ये महाराष्ट्र के टूरिज्म और एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उनका नाम है आदित्य ठाकरे. हम उनके साथ बातें करने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं और गणपति बाप्पा का दर्शन लेने वाले हैं. तो आपको ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं कि आज खाने में कौन है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों. चलो मिलते हैं. Ganpati Bappa. Okay. Well, I'm very happy to introduce to you the youngest minister we have in Maharashtra. Sabse jawan minister. Ye ek buzurg ki taraf se aapko main keh raha hu of Maharashtra. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure having us, you know, in this and having you over at our home. Welcome to Varsha. Thank you. Thank you very much. Ganpati has ek nimitta ho gaya hai khana khane ke liye. और मैंने सोचा कि अगर आपके साथ खाना खाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा. इस बिल्कुल मुझे आपका पता नहीं लेकिन आते जाते तो मैं पेड़ा मोदक खाते रहता हूँ. स्वीट टूथ है आपका कैसे है? स्वीट टूथ है ये मेरे को मुझे देखकर ही आपको पता चलता है कि ये बहुत ही स्वीट टूथ है मेरा. तो काफ़ी दिक्कत भी होती है क्योंकि रात को जब हम यहाँ बैठे होते हैं और कभी कभी भूख लगती है तो बिल्कुल जैसे फैमिली आती है, पूरी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं तो रात को 1 बजे 1:30 बजे तो हम गपशप करते रहते हैं. तो फिर नजर अगर मोदक पे गई, मोदक पे तो फिर खुद को पूरी थाली बहुत पूरी जटिल हो जाती है. हाँ वो तो 2-3 मिनट में फिर खत्म हो जाती है पूरी. नहीं लेकिन ये जो फेस्टिवल है ना गणपति का, और गणपति का क्यों हमारे देश के जो हर कोई फेस्टिवल खाने के साथ बहुत ही कनेक्शन है उनका. मुझे लगता है वही हमारे देश की खासियत है कि हर 50 किलोमीटर पे अपने जो डायलेक्ट है वो बदलते हैं, भाषाएं बदलती है और हर एक फेस्टिवल के साथ कुछ ना कुछ खाना जुड़ जाता है. तो उसमें जो मज़ा होती है अपने फेस्टिवल्स में, मुझे लगता है वही एक अलग किस्म का देश जिसे अपनाते हैं, एक एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे लगता है उसी में एक कुछ अलगता है. क्योंकि ऐसा कोई देश ही नहीं है जहाँ इतना खाने पे फोकस करे, खाने पे फोकस कर सकते. बिल्कुल. अभी आपने इतना खाने के बारे में बात किया तो थोड़ा सा ये इधर थोड़ा सा गुरगुर गुरगुर होने लगा. भूक लागली है. ह्याच्यात एक अजून वेगळेपणा म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी वेगळं काहीतरी नैवेद्य बनत असतं. करेक्ट. तर वो खासियत जो है हर एक के घर पे जाके उनके हाथ का खाना. तो अभी आपके मैं आपसे मिलने से पहले आपके मम्मी से बात कर रहा था और थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे क्या मेन्यू है लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ. आइए चलो चलते हैं. आरती खत्म हो गई, अब समय है खाना खाने का. हम बैठे हैं वर्षा में, हमारे साथ है आदित्य ठाकरे और बहुत सारा खाना.
जी ये ट्रेडिशनल गणपति का महाराष्ट्रियन खाना है बिल्कुल, और एंजॉय तो करेंगे हाँ। लेकिन मुझे लगता है मेरा तो पेट भर गया देख के ही, तो मेरा भी थोड़ा सा भर गया है लेकिन खाएंगे जरूर बिल्कुल। स्ट्रेस इसी का होता है कि कितना खा सकते हैं, कितना खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो आदत है वो थोड़ा 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 हर एक चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज तो चखनी की और मजा स्वाद खाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते बिल्कुल। अच्छा आज क्या है कि खाने में क्या है अगर मैंने पूछा इसमें तो? मेरा फेवरेट तो ऑफकोर्स पूरनपोली है, पूरनपोली फल है, ये जो चीज है वो फल है, ये ट्राई कीजिए, ये हमारे खान में बनता है, शायद मोदक का ही इंग्रेडिएंट है लेकिन स्वीट नहीं होता है। अच्छा तो ये सेवरी है? सेवरी है। तो ये है वरण भात, ऑफकोर्स हर एक को पसंद है, और किसी भी महाराष्ट्र से पूछे तो हमारा स्टेपल डाइट तो वरण भात तूप, करेक्ट। तो वो है पिठलं है जो मेरी नानी बनाती है, मुझे पसंद है, भिंडी की भाजी है, भिंडी की भाजी है, थोड़ा खोबरा डाल के उसमें, तो ये सारी चीजें हैं। मोदक है, मोदक कौन सा गणपति का फेस्टिवल हो सकता है विदाउट मोदक, बिल्कुल ना। तो चलो शुरुआत करें, रेस नहीं है ना खाने की, कुछ नहीं, आराम से खाएंगे बातें करेंगे और आपके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे बिल्कुल। चलो गॉड ब्लेस गणपति बाप्पा बोल रहे हैं। मैं तो शुरुआत करने वाला हूँ पूरनपोली से, पूरनपोली से। चलो मैं भी आपको मीठा, और मुझे ये आदत है कि पूरनपोली मुझे कुछ तीखे चीज के साथ खाने को, यानी अचार और पूरनपोली कुछ अलग कॉम्बिनेशन, ये मेरी भी आदत है लेकिन मैं सोच रहा था करूं या ना करूं आपके साथ। कीजिए कीजिए नो प्रॉब्लम, थोड़ा अगर गणपति फेस्टिवल नहीं होता और अगर वेजिटेरियन नहीं होता तो मराठी में कहते हैं ना कोलंबी चलोंच, प्रॉन पिकल के साथ पूरनपोली खाने में बहुत मजा आता है, छान लगता है, छान लगते हैं, छान लगते हैं। कोई मुझे क्या, व्हाट आर योर ओल्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ गणपति एट द फेस्टिवल, बिकॉज सच अ बिग फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। इट इज, एंड ऑफ कोर्स यू नो वी हैव टू साइड्स टू इट, वन इज द पब्लिक साइड व्हिच इज द पॉलिटिकल साइड, एंड यू नो ऑफ कोर्स दैट इज लाइक फैमिली ओनली, वी कीप विजिटिंग डिफरेंट मंडल्स पंडल्स ऑल ऑफ इट, एंड द अदर इज द फैमिली साइड। सो माय ग्रैंडमदर व्हिच इज माय नानी यूज्ड टू हैव अ गणपति टिल लाइक 2 इयर्स अगो, एंड नाउ you know here we have it at Varsha also, right. My masi has a ganpati manje maushi kade asto ajji kade asto ani maje vadlanche tya jo parant hota tyaa amcha ghari pan asaycha mag te kaki kade ganpati tani acha matushrila pan asaycha tar arthat pahila divas gharatlas ganpati so jo bhi family ke ganpati hote fir masi ke paas nani ke paas to wahan ja ke darshan lena sab cousins milte hain to hasi mazak puri family milte hain mama mami sare log ek sath aate hain और तब हम कैलोरीज काउंट नहीं करते, तभी ट्रेडमिल को भूल जाओ, तभी फिटबिट को भूल जाओ और कैलोरीज खाओ खाओ खाओ, तो ये मजा होती है फिर। लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा बिगिनिंग को कि गणपति के दो पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल और एक घर का जी, और गणपति सार्वजनिक गणपति अगर हमने सोचा तो स्टार्ट ही पॉलिटिकली हुआ था, पॉलिटिकली हो शुरुआत ती झाली टिळकांनी जी केलं, वाज टू गेट पीपल टुगेदर एक्झॅक्टली यु नो अगेन्स्ट द ब्रिटिश राज। आणि मला जी आठवण आहे म्हणजे मी वडिलांसोबत लहानपणीपासून जेव्हा फिरत होतो हर एक मंडप में जाते थे तो हर एक साल की अलग अलग थीम्स होती थी। जैसे मुझे याद है कि 10-15 साल के पहले जो हमने मी मुंबई कर कैंपेन चलाई थी कि कचरा ना फेंके, रास्ते पे थूके ना, सिविक डिसिप्लिन फॉलो करो, तो हर एक मंडप में मी मुंबई कर थीम थी। और ऑफकोर्स हर साल लालबाग का राजा हो, गणेश गली का हो, GSB का हो, अंधेरी का राजा हो, यहाँ तो हम जाते ही हैं, लेकिन जब यहाँ जाते हैं तो हर एक गली में छोटे छोटे जो मंडप होते हैं वहाँ जाने की मुझे यादें हैं। तो ऐसे होता था कि मेरे पिताजी के साथ हम लोग 7-7:15 बजे शुरुआत करते थे और रात को 2-2:30 बजे हम घर पे आते थे, क्योंकि हर एक मंडप, और कैसे होता है कि यहाँ जाओ तो बाजू के लोग अरे 2 मिनट पे यहाँ आए तो आप चल के आइए, यहाँ आइए, वहाँ आइए। कभी कभी गणपति के दौरान बारिश की शुरुआत होती थी तो होती ही है बारिश, दो पावसात आम्ही प्रत्येक मंडपात जातो, अर्थात मग कधीतरी चपला आपण गाडीतच काढून जातो की एखाद्या मंडपात विसरून जातो, कारण ते पावसात चप्पल घालूच नाही शकत, आणि 2-2 मिनिटांवर जर गणपती असले तर अनवाणी फिरणं, प्रत्येक गल्लीत जाणं ही एक जी मजा असते। मग पुण्यातले गणपती असतात जे मानाचे गणपती आहेत तिथे जायचे, दगडूशेठ हलवाईचा गणपती वगैरे, आणि मग प्रत्येक ठिकाणी काही काही ठिकाणी अर्थात नेहमीच्या आरत्या असतात, काही काही ठिकाणी छोट्या आरत्या घेतात, पण ते एक जी मजा असते, ते जे वातावरण असतं मुंबईत असेल पूर्ण महाराष्ट्रात असेल एक वेगळं आनंदाचं वातावरण असतं, एक तो उत्सव असतो, ते एक पूर्ण सेलिब्रेशन असतं, आणि त्या सेलिब्रेशनमधून प्रत्येक जे गणपती वेगळ्या वेगळ्या मंडपात असतात त्या ज्या ट्रस्ट असतात किंवा त्या जे काही
तिकडचे तरुण मंडळ एकत्र येऊन जे काही छोट्या छोट्या गोष्टी करत असतात, एन जी ओ म्हणून करत असतील, काम म्हणून करत असतील, ते काम पुढचं खूप मोठं असतं. वरण भात इज सो नाइस और उस पर थोड़ा सा घी डाल के इतना अच्छा लगता है. मैं उंगलियां चाट के खा रहा हूँ, आदत हो गई अभी, क्या करें. भजिया और चटनी, आप माजी लहानपणी पासून जी सवय जो अभी भी आदत है कि खाते खाते कुछ मीठा भी साथ में होना चाहिए ना, हमेशा हमेशा. तो जब भी हम ट्रेनर्स कभी आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हर एक चीज़ को मैं ओके बोलता हूँ, लेकिन एक मेरा कैविट रहता है कि बस स्वीट टूथ है तो कुछ ना कुछ मीठा हो जाए. आप मेरा मीठा बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं. हेल्दी रहूँगा लेकिन मीठा थोड़ा खाऊंगा. एक्सरसाइज के लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए, मीठा. लेकिन आप पहले से जैसे आप कह रहे थे आप थोड़ा खाते हो, बिल्कुल, लेकिन खाने का शौक है. खाने का शौक है और जहाँ भी जाते हैं तो लोकल खाने का बहुत शौक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल. अभी अभी थोड़ी मैं जैसे शेलफिश है या थोड़ी सी मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, एक कोलेस्ट्रॉल थोड़ी एलर्जी, लेकिन जस्ट टू कीप अदरवाइज लॉबस्टर्स क्रैब्स ऑल ऑफ दैट. और अगर कोल्हापुर जाए तो पांढरा रसा होता है और मराठवाड़ा में उनका स्पेशलिटी होता है कुछ अलग अलग. विदर्भ का खाना अलग, साउजी खाना नागपुर में. आप टूरिज्म मिनिस्टर भी हो, बिल्कुल. तो एक कभी सोचा है कि महाराष्ट्र का, ऑफ कोर्स हमारे महाराष्ट्र में अगर कोई खाने के लिए आए तो दो हफ्ते सिर्फ खाने पे गुजर सकता है, हो सकता है ना, लंच डिनर अलग अलग. करेक्ट. सो ये इतना वैभव है हमारे, बिल्कुल, खाने में. और अगर आपको पसंद है तो आप पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि जब हम टूर्स करते हैं तो वहाँ के लोकल जो हमारे लीडर्स कार्यकर्ता होते हैं तो अपने अपने घर का कभी खाना लाते हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ होता है, कभी लंच डिनर. कभी कभी ऐसे होता है कि अगर इतना खाया है तो फिर प्रचार नहीं हो सकता, घूमने को कठिन आएगी. नहीं नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ खाना है, मुझे काम करना थोड़ा मुश्किल जाता है. खाने के बाद आराम से सो जाने का. ओह, ये पूरन पोड़ी मैंने अब तक, आप मुझे इसको क्या कहते हैं, इसको फल मैंने खा भी लिया अभी तो. मैं खा रहा हूँ मैं उसको कुछ उसके साथ लेके खाइए अभी. हाँ, बहुत है वहाँ और है. तो जैसे पिठला है तो पिठला के साथ खाइए, भाकरी भी है तो अगर आप भाकरी चाहते तो. नहीं, मैं ये फल खाऊंगा, फल मुझे बहुत अच्छा लगा. फल भाकरी फल विद पिठला के साथ लीजिए, चांगला लगता था. मी तेच करतो आता. वेगळं वेगळं काहीतरी कॉम्बिनेशन जसं तुम्ही करत असता तसं मी पण. प्लीज हा, मला जेव्हा 2-3 महिन्यापूर्वी कोविड झालेला तेव्हा असंच काहीतरी कंटचव गेली असते आणि चव परत आणायला ते, आणि मग त्यावेळी पिठलं भाकरी वगैरे ते खूप असायचं आणि थोडं तिखट खायचं, मग तिखट खायला, सो दॅट यू गेट युअर टेस्ट बॅक. या बट युअर कोविड वॉज गुड अंडर कंट्रोल, डिड यू सफर टू मच? Then there was a day of fever, but I think post-COVID was really bad. Weakness, lot of fatigue. You feel tired during the day. After the vaccine, thankfully, it's been a good thing. Yeah. And I think, and I don't want to sort of make this completely political, but what the Maharashtra government has done has been very good. So, thank you. Yeah, we've been honest with our numbers, and thankfully the people have been cooperating. And I bagu kata sagle चालू आहेत, सगळ्यांना कोविड प्रोटोकॉल्स माहिती आहेत. प्रयत्न करतो आम्ही की जास्तीत जास्त ते पाळावे, सो दॅट तिसरी लाट जी येऊ शकेल ती थोडी लांबली तर चांगलं होईल, कारण अर्थचक्र तेवढं चालेल. आणि लांबली आणि इफ इट नाही आली तर चांगलंच आहे. आणि जर वीक असली तर म्हणजे जास्ती पीपल ज्यादा बीमार नाही पडले, बिलकुल, जितने लोक वॅक्सिनेट हो जाए तो वो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोक वॅक्सिनेट हो जाए. तुम्ही घेतले का वॅक्सिन? हो, नंबर लागले बरोबर, फर्स्ट थिंग आय वेंट अँड गॉट. झाले आपले? दोन्ही झाले. कारण हल्ली प्रत्येक ठिकाणी हे एक मेजर टॉपिक झालंय, वॅक्सिन जेवताना ते येतच येतं. जो अळूवडी आहे ना, इट्स डिलिशियस. थँक यू. मोदक डिलिशियस, सब कुछ डिलिशियस आहे. पण हे पकोडा आहे, मिरची अंदर
टीका है। टीका हो गया तू। मैं इतनी सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन मेरे मुंह इतना खाने से भरा है कि मैं थोड़ा हम खाना खाते हैं थोड़ा। नहीं बट ये अच्छी आइडिया, अभी मुझे एक आइडिया अच्छी मिल गई है कि कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू लेने आए तो उसको मैं पहले खाने पे ही लाऊंगा तो क्वेश्चंस कम आ जाएंगे और सेटल हो जाता है और थोड़ा कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है पॉलिटिकल इंटरव्यू का। लेकिन ऐसा आता है, ऐसे आते हैं क्या जर्नलिस्ट जो आपको लगता है कि थोड़ा टफ करने वाले हैं सवाल वगैरह वगैरह? अगर काम अपन हम अपने दिल से करते रहे तो फिर कोई सवाल, यू कैन फेस एनी क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आ गया। ठीक है, आप बंबई में है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, यू वेंट टू सेंट जेवियर्स कॉलेज, स्कॉटिश, बंबई स्कॉटिश, या व्हिच इज इन द हार्ट ऑफ दादर, व्हिच इज लाइक द मराठी हार्टलैंड ऑफ मुंबई। डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ फूड ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज कैंटीन व्हिच वाज आइकॉनिक इन व्हेन वी वर यंग? I was a JJ behind you. Right. Yeah. That was where my father was. Yes, your father was JJ. Yes. A couple of years my senior, I think. But I, जब मैं Crawford Market में था, यानी JJ School of Crawford Market में था, तो वहाँ के सब रेडियो रेस्टोरेंट, गुलशन ईरान, ये सब रेस्टोरेंट में, और पुलिस कैंटीन करके एक था। अरे पुलिस कैंटीन का मैंने खाना खाया। खाना खाया। बहुत ही अच्छा था ना। तो वहाँ का खीमा पाव बहुत अच्छा था। खीमा पाव बहुत अच्छा था। हमने शूट भी किया है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो कोई ना कोई वहाँ से लाता था, आजाद मैदान पे या क्रॉस मैदान पे, बहुत ही अच्छा होता था। और कुलाबा में ओलंपिया कैफे है, उनका खीमा पाव सुबह। अच्छा, मैं वहाँ नहीं खा। ब्यूटीफुल। एक बार बिफोर एवरीबॉडी वेक्स अप एंड इफ यू आर अप इन द मॉर्निंग बिफोर एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस यू, वी शुड गो देयर एंड ईट खीमा पाव, इट बी फैंटास्टिक। बट या इन स्कॉटिश वी हैड अ बेकरी कॉल्ड प्रसाद बेकरी व्हिच इज अटैच्ड टू स्कूल, तो वहाँ से ड्रैगन रोल्स ऐसे कुछ अलग अलग, चाइनीज का दिन था कभी, इंडियन का दिन था कभी, अलग अलग फूड था। जेवियर्स में वो सैंडविच काफ़ी पसंद था। करेक्ट। एक तो चिकन सैंडविच या चीज़ गार्लिक सैंडविच था। केसी लॉ में भी, सी द बेसिक थिंग इज, काफ़ी सारे कैंटीन्स में स्टेपल फूड सैंडविच रहता है, ग्रिल्ड सैंडविच, वेज, चिकन, एंड हर एक कैंटीन की अगर आप टेस्ट देखिए, खासियत देखिए, तो अलग अलग होती है। और जो भी वहाँ अलमनस बनते जाते हैं बाद में, तो उनको वो एक याद रहती है, कॉन्स्टेंटली रहती है, रहती है। तो कभी वो सैंडविच आइसक्रीम हो, करेक्ट। तो और केसी कॉलेज के सामने वो एक स्टॉल था, पता है, जो ग्रिल्ड सैंडविचेस बना था जी सामने जी, जी, या? और केसी कॉलेज का कैंटीन, अभी क्योंकि हम भी कभी जवान थे और हम भी हमारे दोस्त रहते थे, तो उनका कैंटीन चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज फूड बहुत अच्छा बनाता था। केसी मुझे भी काफ़ी कॉलेज की यादें हैं, यू नो। वैसे तो खाने के बाद बारे में बात करते ही जा सकते हैं हम लोग। मजा आ गया, काफ़ी तीखा, मैंने भी अभी काफ़ी तीखा है। भिंडी आपने खाई कि नहीं? मैं खा रहा हूँ अभी, मैं सोच रहा हूँ किसके साथ खाओ, ऐसे ही खाता हूँ भिंडी। भाकरी के साथ ले सकते हैं, खाना भाकरी के साथ लो। चलो एक थैंक यू, पिठलं भाकरी आणि भेंड्याचं सगळ्यात बेस्ट स्टेपल, आणि स्टेपल झुणका भाकर मस्त लागत। मी थोडं पिठलं मला आवडतं, कारण नंतर भाताबरोबर पण घेऊ शकतो, खातो जाऊ कर। आय हॅव डेव्हलप्ड अ टेस्ट फॉर पिठलं अँड भाकरी, लुकिंग ॲट यू सो फिट and young of course, to have such passion for food. Normally you associate passion for food with nice fat people like me, but to see this is just unbelievable. Of course, portion control mein thoda thoda karna hi, thodi thodi koshish karta hu portion control, but kabhi kabhi you let go, then you can make it up the next compensate, day by compensate the next day. Yeah, superb. ये एंड में मैं ये बड़ा सा जो मोदक है, मैं वो अभी क्योंकि गणपति कभी मोदक, आप थोड़ा वरण लीजिए, गरम वरण हाथ पे मैं आपको सर्व करूंगा शायद। आप कर रहे हो? हाँ, चलो वरण भात, थोड़ा वरण लेता हूँ मैं। थैंक यू। हाँ, गरम है, गरम है। और ये चावल में, यू नो, वरण भात इज एक्सट्रीमली हेल्दी ऑल्सो। अच्छा। या इवन इफ यू आर ऑन अ डाइट you can do varan bhat, and in fact I have been on a diet, you may not notice, but and
all jo I have been eating is varan bhat. Acha. Yeah. Varan bhat. And suka javda. Oh, it's delicious. What is your favorite place to eat in Mumbai? I have 2-3 really happy places to eat in. One is Olympia Cafe in Colaba. It's on the causeway and we must go at some point. Then further down at Colaba itself is Martin's, which is a Goan restaurant. Yes, I've been to Martin's in Goa. Oh, yeah. Beautiful that is. And in Maharashtra, where do you like to eat typically? Maharashtra, out of all the Maharashtrian food, I would say Malwani because that is my most exposed food. Acha. But I also am fighting a constant battle saying that Maharashtrian food cannot be equated only to Malwani food. Right. Because Malwani eventually is a small village in the whole of Maharashtra. So Khandeshi food is very nice. Kolhapurcha, matnacha, mutton ka pickle or pandarasa, tamlarasa. Are top class. Beautiful it is. So I have to tell this story which I have told everybody. So we were shooting my TV show in Nagpur and we'd organized with a couple of Saudi restaurants to shoot it. Ha. But we'd also organized with a housewife. Okay. Who would cook gharguti. Oh. Ghar ka banaya hua Nagpur ka Saudi khana. Ha. Aur jab hum pahunche wahan to uska bahut chota ghar tha. Main road pe hi tha aur it was like a jhugi jhopri kind of thing. And she said, "Ha." And she took out her whole, chula, bhandi and everything. And on the main road, she put everything, put lots of oil, full mutton and started cooking. And we are sitting over there and cooking. It was the most fascinating, Maharashtra. But that is the best part about Maharashtra. Ki kuthehi tumhi ja, jevda premani tumhala jevan detil ani vegle vegle padartha. Hospitality. Mita nandurparla par thecha tikadcha khallela ani bhakri. Kharaj manje it's... Different places, but superb food. Yeah, absolutely. And now, even a place like Aurangabad, there is a blend of, because Aurangabad has a Muslim population as well, and the Maharashtra population. And then there's a little... Overlaps. Overlap food. Yeah. It's unbelievable. So, by the way, do you cook at all? You wouldn't be enjoying the food if I was cooking. So, although I tell people I make very good green tea. Very nice. Yeah, just dip. Dip. That's it. But I saw some interview where you said that you make great sandwiches, jam sandwiches or something like that. Exactly. Whatever just plug and play is very easy to do. But the real cooking that happens behind the scene, that is impossible. You know, I've always wanted to be a chef, but it takes a different level of talent to be that. Yeah, even I tried. I'm a better eater than better I am eater. A chef. Better eater. Yeah, you need better eaters also. There are of great course. Chefs in the world. Absolutely. You have Michelin star chefs. You need Michelin star eaters also. And that two of us. Michelin star eaters we are. Actually, aapne hame invite kiya. I'm just really happy. Nahi, but aate rahiye. Aur ye shayad pehla episode hai. Vaapas ek baar karenge. Jahan non-veg bhi karenge. 100%. This is the guarantee. और हम आपने कहा आते रहिए तो हमारा एपिसोड जब खत्म होता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आते रहिए खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. बिल्कुल. या थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मजा आ गया. बहुत ही मजा आ गया. और गणपति बप्पा मोरया. गणपति बप्पा मोरया.